कोरोना पेंडेमिक के टाइम में हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस की सब तारीफ करते हैं, पर सफाई कर्मचारी को उनके काम के लिए कोई मान्यता नहीं मिल रही है। आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाके काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी। मेरा नाम राधा राजू है। मैं पिछले 9 साल से एर्नाकुलम कलमशेरी मेडिकल कॉलेज में अस्थाई कर्मचारी की हैसियत से नौकरी कर रही हूँ। क्योंकि हम कोरोना वार्ड में काम करते हैं, इसलिए मुझे और मेरे सहयोगियों को ताने और अपमान का सामना करना पड़ा। हेलो राधा जी, आप सफाई के लिए जा रही हो ना, तो अब आप वहाँ मत जाइए, ठीक है? ये वायरस बहुत खतरनाक है। वायरस के खिलाफ काम करने वाले और स्वास्थ्य कर्मियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारा काम ध्यान से और सुरक्षा पूर्वक करते हैं। कई सारे अपमान और अनादर के सहने पर भी हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार को पूरा सहयोग देंगे और लड़ेंगे। आपके दो बच्चे हैं। इसे संक्रामक कहा गया है, ऐसा हर कोई कहता है। राधा, हमारे चाचा जी नहीं रहे, तू नहीं आएगी तो भी चलेगा। लोगों के इस व्यवहार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जिस तरह मैं फर्श साफ करती हूँ, उस तरह मैं अपने मन को साफ कर लूंगी। इस भयानक महामारी से लड़ाई के दौरान मुझ में कई सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए। मुझे कई लोगों के कॉल आए और उन्होंने मेरी तारीफ की, जिससे मुझे खुशी और गर्व का एहसास हुआ। आइसोलेशन वार्ड में कई सारे बच्चे थे, उनमें से विष्णु और हर्षल मुझे बहुत प्यारे लगते थे। वहाँ के सारे बच्चे मुझे अपने बच्चों की तरह ही लगते थे। विष्णु मुझे अक्सर फोन किया करता है, एक बार तो वो मेरे घर पे भी आया था। मेरा नाम विष्णु है, मैं कोविड सर्वाइवर हूँ। मैं गल्फ में नौकरी कर रहा था। 22 मार्च को मैं अपने घर वापस पहुंचा। 1 अप्रैल को मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहली बार एम्बुलेंस में जाने से मन में डर था। उस समय से मैंने किसी इंसान के चेहरे और उनके वास्तविक रूप नहीं देखे थे। हर इंसान को मैंने PPE किट में ही देखा है। हर इंसान को इस हाल में देखकर मुझे घबराहट होती थी। कुछ समय बाद मैं उनको उनकी आवाज़ से पहचानने लगा। कई लोगों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। राधा माँ को मैं अपनी माँ की तरह ही मानता हूँ। वह भी मुझे अपने बेटे की तरह ही देखभाल करती थी। मैंने उनसे कहा था कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं उनके घर उनसे मिलने आऊँगा, इसलिए आज मैं उनके घर आया हूँ। अस्पताल में मैं उनसे दूरी बनाए रखता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मुझसे उनको इस बीमारी का संक्रमण न हो जाए। अस्पताल में वह सारे काम बड़े स्वच्छता और ध्यानपूर्वक करती थी। हर 4 घंटे में वह सफाई के लिए पहुंच जाती थी। हर सुबह वह मुझे नींद से जगाती थी। एक माँ की तरह वह समय पर नहाने और खाना खाने को कहती थी। जिंदगी में कई बार अस्पताल गया था, मगर कभी सफाई कर्मचारी के बारे में नहीं सोचा था। इस कोविड महामारी के दौरान इन सफाई कर्मचारियों का महत्व मुझे समझ में आया। मैं राधा माँ का और सभी सफाई कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं एक किराए के घर पे रहती हूँ। अस्पताल की आमदनी से घर का गुजारा हो पाना मुश्किल है, इसीलिए मुथूट फिनकॉर्प से एक छोटा सा लोन लेकर घर पर चिप्स और स्नैक्स बनाकर बेचती हूँ। स्थानीय अखबार में मेरे इस काम का जिक्र था। उसे देखकर मुथूट फिनकॉर्प के कुछ लोग मेरे घर आए और मुझे शुभकामनाएं दी। ये मेरे और मेरे परिवार वालों के लिए खुशी की बात है। स्वास्थ्य कर्मचारियों में ऐसे कई लोग है जिन्हें हम नहीं जानते। सफाई कर्मचारी उनमें से एक विभाग है। हाल ही में मैंने राधा जी के बारे में सुना। वो टेम्पररी क्लीनिंग स्टाफ में काम करते हुए लोगों का ध्यान रखती है। कोरोना वार्ड में एक माँ नामक कहानी के माध्यम से मैंने आर्टिकल में राधा जी के बारे में सुना। राधा जी अपनी बातों से बहुत ही प्यार से बीमार व्यक्तियों को हिम्मत और उम्मीद जगाती है। इन्हीं सारे कारणों से वो दूसरों से अलग है। इनकी तरह और भी कई कर्मचारी हैं जो अपना काम बड़ी लगन से करते हैं। इन सभी कर्मचारियों के लिए हम तहे दिल से प्रार्थना करेंगे। राधा जी हमारे माइक्रो फाइनेंस कस्टमर होने पर हमें अधिक खुशी और गर्व है। हमारे कई सारे उपभोक्ता जिंदगी के कई सारे तकलीफों का सामना करते हुए
जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना से हमें डरना नहीं चाहिए। दृढ़ निश्चय और सावधानी से हम मिलकर इस महामारी को जल्द ही मिटा सकते हैं। आज मेरे जैसे कई लोग हैं जो दुनिया के कई कोनों में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सरकार के नियमों का योग्य पालन करके हम इस महामारी पर जरूर विजय पाएंगे। यह लोग हमारे लिए आगे खड़े हैं। हम सबको अपनी प्रार्थना में इनको जरूर याद करना चाहिए।